अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन। तो जी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मेरे ड्राइविंग लाइसेंस का पहला दिन है, तो वो टाइम आ गया सुबह। इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं और मेरी जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है वो आने ही वाली है, तो मैं इतने के ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं पहले से बाहर आके खड़ी हो गई हूँ और वेट कर रही हूँ उनका, और मैं आप लोगों को अपनी इस जर्नी पे साथ में लेके जाऊंगी। आज पहला दिन है तो उन्होंने कहा है, हवा कितनी चल रही है, आज पहला दिन है तो उन्होंने कहा है कि मैं शायद ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठूंगी, लेकिन स्टिल आज बहुत सारे लेसन मिलेंगे, तो मेरे साथ चले इस इंटरेस्टिंग जी। तो पहला दिन जो है वो ड्राइविंग लेसन का बहुत शानदार गुजरा, बहुत अच्छी लर्निंग हुई। पहला दिन था तो आधे टाइम जो है वो मेरी इंस्ट्रक्टर गाड़ी में आगे बैठी और जो है वो मुझे बताती गई रूल्स के बारे में, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में खुद बता रही कि देखो ये नोटिस करो मैं कैसे कर रही हूँ, और फिर आधा टाइम जो है वो मैंने गाड़ी चलाई। आज असल में इस कदर विंडी है कि पूरे बाल मैसी हो गए हैं और फ़ोन भी जो है वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो खैर, पहले दिन की लर्निंग के तौर पे मैंने गैस ब्रेक स्विच करना, इंडिकेटर करना, ये सारी चीज़ें करना सीखी। अच्छी लर्निंग हुई, आगे अभी कंटिन्यू रहेगी कुछ दिन तक। लेकिन जो आज मैंने एक और बात नोटिस की वो ये की कि मेरी जैसी लड़कियां जो कि पहली दफ़ा ड्राइविंग करेंगी या जिससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ड्राइविंग का, तो उन्हें चाहिए, या मैंने सोचा कि मुझे ये चाहिए था करना, कि मैं पहले से कराची में अगर थोड़े बहुत ड्राइविंग के लेसन्स लेके आती या मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता एक गाड़ी कंट्रोल, क्योंकि आप जब पहली दफ़ा गाड़ी में बैठते हैं तो आपको गाड़ी नहीं लगती, आपको एक डायनासोर लगता है बड़ा सा कि ओके अच्छा मुझे इसको काबू करना है। तो अगर ये चीज़ आपको उससे वो आपका डर ख़त्म कर दे और आपको ये पता हो कि ओके यार ये गाड़ी है, मैं इसमें बैठूंगी, मैं चला लूँगी, कि उन्हें थोड़ी सी चीज़ों की बेसिक मालूमात हो, तो फिर बहुत कम ही रूल्स चेंज होंगे जो यहाँ से कराची में फ़र्क होंगे, कि आपको ये होगा कि भाई वहाँ पे राइट साइड पे थी, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ड्राइविंग होती है, तो लेकिन आपको बहुत हेल्प होगी, आपका बहुत टाइम सेव होगा। तो इस चीज़ के लिए आपको सोचना चाहिए, और आप थोड़ा सा टाइम अगर पहले लगा लेंगे तो यहाँ पे आपको ज़्यादा आसानी होगी। आप सबको गुड लक हर उस काम के लिए जो आप कर रहे हैं, कोई भी मुश्किल काम, आसान काम। आज ये फैसला करना है कि आज कीमा मटर आलू बनेगा या फिर आलू की तहारी बनेगी, या ये फैसला करना हो कि आज फाइनल प्रेजेंटेशन है मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, सारी चीज़ें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम को जब आप समझते हैं कि वो बड़ा काम है, जैसे कि मैं इस वक्त ड्राइविंग को एक बहुत बड़ा काम समझ रही हूँ, तो आप उसमें एक्सेल करते हैं और आप उसको ऐसे तरीके से कर पाते हैं जब आप उसको सीरियसली लेते हैं। तो गुड लक टू यू ऑल, गुड लक टू मी टू, एंड हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।